आतंक समाज की ओर से 16 जून को अपनी मांगों को लेकर शहर में भव्य आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। इस मोर्चे में पूरे महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। मातंग समुदाय के औरंगाबाद के युवक मनोज शेषराव आवाड़ को गांव में वाद विवाद के बीच गांव के गुंडों ने लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे से पीट पीट कर मार डाला। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उठाया जाना चाहिए। साथ ही समाज कल्याण विभाग और सरकार की ओर से मृतक मनोज आवाड़ के परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए प्रदान करे और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दे। अनुसूचित जातियों में आरक्षण अ ब क ड के अनुसार अलग आरक्षण दिया जाना चाहिए। बीड़ जिले के मातंग समुदाय गन्ना तोड़ने वाले कामगार की हत्या कर फांसी पर लटकाए गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी अनेक मांगों को और मातंग समाज की हो रही असुविधाओं को प्रशासन के समक्ष रखने के लिए सकल मातंग समाज संगठना द्वारा गुरुवार दिनांक 16/6/2022 सुबह 11 बजे से 6 बजे तक नागपुर स्थित यशवंत स्टेडियम धंतोली बर्डी में आक्रोश महामोर्चा एवं शुक्रवार दिनांक 17/6/2022 को अन्ना भाऊ साठे चिंच भवन यहां भव्य सभा का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी सकल मातंग समाज संगठना संयोजिका कार्याध्यक्ष कविता ताई इंगड़े इन्होंने नागपुर प्रेस क्लब में पत्र परिषद के समय दी। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। मागणी आम्हाला अण्णाभाऊ साठेचं जे महामंडळ बंद करण्यात आलंय त्याला चालू करण्यात यावं, आणि ज्या प्रकारे तुम्ही मोठमोठ्या नेत्यांच्या जयंतीला जयंतीसाठी तुम्ही पैसे देता, सगळ्या गोष्टी करता, ते पण आम्हाला देण्यात यावं। पूर्ण प्रकरण असं आहे की त्या एका व्यक्तीला तुम्ही मारण्यासाठी म्हणा या त्याला आत्महत्या करण्यासाठी म्हणा, जे पण काही आहे ते प्रूफ असल्याच्या नंतरही आम्हाला विचारण्यात जाते की तो व्हिडिओ व्हायरल झाला असे किती अत्याचार आहेत, जे तुमच्याकडे काही प्रूफ नसताना सुद्धा तुम्ही त्याला रंगवता, मग आमच्यासाठी का नाही, मातंग समाजासाठी का नाही? तिथे कमीत कमी मला तरी असं वाटतं की ज्या प्रकारे या लोकांनी प्रचार आणि प्रसार दोन्ही केलेला आहे, कमीत कमी 3-4 हजार लोक यायला पाहिजे। औरंगाबादला जातीय द्वेषातून 20 एप्रिलला त्याचा ठेचून त्याला मारलं गेलं, लाकडी दांडक्यातून त्याला मूर्त केलं गेलं। जातीय द्वेषातून हा प्रकार घडलेला आहे आणि कुठेतरी त्याला न्याय मिळावा यासाठी सकल मातंग समाज हा नागपूर येथे रस्त्यावर उतरतो आहे। या मोर्चासाठी, या महामोर्चासाठी महाराष्ट्र तर पूर्ण उतरतो आहेच, बहुतांश जिल्ह्यातून इथे समाज उतरणार आहेच, त्याचबरोबर छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यातून मातंग समाज या ठिकाणी येणार आहेत। या सर्वांना मी आवाहन करतो की त्यांनी या मोर्चाला जास्तीत जास्त संख्येने यावं।